हेलो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ चैप्टर तीसरा दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पढ़ेंगे। तो इसको हम पहले समझ लेते हैं, फिर इसके क्वेश्चन करेंगे। तो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, तो चर पहले हम चर समझ लेते हैं। चर क्या होते हैं? ठीक है, चर ऐसी संख्याएं जो बदलती रहती हैं, जैसे एक्स वाई जेड, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, चर जाना तो हमने अचर भी जानेंगे। अचर क्या होते हैं? ऐसी संख्याएं जो बदलती नहीं है, जैसे एक दो तीन संख्याएं, ठीक है, जो कि बदलती नहीं है। तो रैखिक समीकरण, रैखिक समीकरण क्या होते हैं? रैखिक का मतलब होता है एक घात। ठीक है, क्या होता है रैखिक का मतलब? रैखिक का मतलब होता है एक घात, एक घात वाला समीकरण। ठीक है, युग्म मतलब जोड़ा। ठीक है, युग्म का मतलब क्या होता है? जोड़ा। ठीक है, तो कुछ उदाहरण हम ले लेते हैं। ठीक है, दो चर वाला, ठीक है, समीकरण। तो हमने माना 2x+3y=2। ठीक है, ये हमारा एक दो चर है। ठीक है, समीकरण, इनकी घातें क्या है? एक एक। ठीक है, तो ये हमारा दो चर वाला रैखिक समीकरण है। ठीक है, जैसे कि एक और उदाहरण लेते हैं, 3y+3x+y=5। तो ये भी हमारा एक चर दो चर है, इसमें भी एक घात है, इसमें भी एक घात है। ठीक है, तो ये हमारे दो चर वाले रैखिक समीकरण हैं। अब इसकी प्रश्नावली हम लगाते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म की प्रश्नावली 3.1 का क्वेश्चन नंबर हम पहला सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन क्या है हमारा? आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 30 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफिक रूप में व्यक्त कीजिए। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो हम देखते हैं। हम पहले मानेंगे आफताब है और उसकी पुत्री है। ठीक है, तो मानेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु आयु एक्स वर्ष है तथा पुत्री की आयु की वर्तमान आयु वाई वर्ष है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? 7 वर्ष पूर्व, तो हम पहले देखेंगे 7 वर्ष पूर्व। ठीक है, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी? आफताब की आयु क्या हो जाएगी? अब जैसे कि हमने माना किसी की वर्ष, जैसे हमारी 15 वर्ष है, तो 2 वर्ष पूर्व कितनी होगी? 13 वर्ष। तो हमने कैसे निकाला? 15 में 2 को घटा दिया तो 13 आ गया। इसी प्रकार हमारी आफताब की आयु कितनी थी? एक्स वर्ष। तो 2 वर्ष 7 वर्ष पूर्व बता रहा है, तो हम एक्स में 7 को घटा देंगे, x-7 वर्ष, ये हमारी हो जाएगी 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु। ठीक है, इसी प्रकार पुत्री की आयु क्या हो जाएगी 7 वर्ष बाद? हो जाएगी y-7 वर्ष। ठीक है, अब हमको क्या करना है? अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है? मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। ठीक है, किसके कह रहा है? पुत्री से कह रहा है। तो एक साइड हम रखेंगे आफताब को, x-7 = y-7, पुत्री को एक साइड। अब पिता बड़ा होता है, पुत्री छोटी है। ठीक है, तो 7 गुनी कौन था? पिता। तो हम जहाँ छोटा होगा उसी में हम 7 का गुणा करेंगे। पुत्री छोटी है, जैसे कि 5 = 1 है, तो अब इन दोनों को बराबर करना है, तो इसमें 5 का गुणा करेंगे, तभी तो दोनों बराबर होंगे। ठीक है, तो ये पिता बड़ा है, पुत्री छोटी है, तो इसी में 7 का गुणा करेंगे, क्योंकि 7 वर्ष का
कह रहा है तुमसे मैं 7 गुना आयु का था, ठीक है। तो 7 गुना का मतलब 7 का गुणा करेंगे किसमें, पुत्री की आयु में, ठीक है। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो x माइनस 7 बराबर, इन दोनों को गुणा कर देंगे 7, तो आई माइनस 49। तो क्या आ जाएगा हमारा x, 7y के साइड लेंगे तो 7y, ये माइनस का इस साइड जाएगा, प्लस का हो जाएगा, माइनस का 49 प्लस का 7, तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, x माइनस 7y बराबर माइनस का 42, समीकरण 1 हो जाएगा, ठीक है। इसी प्रकार हमारा क्या कह रहा है दूसरी स्थिति में, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, तो हम लिखेंगे दूसरी स्थिति, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु, की आयु क्या हो जाएगी, पहले बाद में क्या होगा, बाद का मतलब जुड़ जाएगी, तो एक्स प्लस 3 वर्ष, ठीक है। इसी प्रकार पुत्री की आयु, आयु हो जाएगी वाई प्लस 3 वर्ष, ठीक है। अब क्या करना है, अब कह रहा था 3 गुनी आयु का हो जाऊंगा, इसमें भी इसी प्रकार करेंगे, अब ताप की आयु एक साइड रखेंगे, एक्स प्लस 3 एक साइड रखेंगे, पुत्री की आयु एक्स प्लस 3, अब पुत्री की आयु में 3 का गुणा कर देंगे तो बराबर हो जाएंगे दोनों, ठीक है। अब एक्स प्लस 3 बराबर 3y प्लस का 3 त्रिका 9, ठीक है। तो हमारा समीकरण क्या आ जाएगा, एक्स इस साइड रहेगा, 3y माइनस इस साइड आ जाएगा, और 3 उस साइड जाएगा, तो क्या आ जाएगा, माइनस का जाएगा तो 9 में घट जाएगा, तो 6 आ जाएगा। ये समीकरण हमारा दूसरा प्राप्त हो गया, ठीक है। अब हमको ग्राफ खींचना है, तो ग्राफ खींचने के लिए हमको बिंदु ज्ञात करने पड़ेंगे, तो किस तरह से निकालेंगे, बिंदु निकालने के लिए हम लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण हमारा एक पहला क्या है, एक्स माइनस 7y बराबर -42, इससे हम निकालेंगे बिंदु, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, एक हम कोष्टक बना लेंगे इस तरह का, एक साइड लिखेंगे एक्स, एक साइड वाई रखेंगे, ठीक है। अब इसमें एक्स का मान रखेंगे एक बार वाई का मान, तो एक्स का मान हमें एक बार रख देंगे क्या, एक्स बराबर एक बार हमने 0 रख दिया, तो यहाँ 7y है, ठीक है, तो यहाँ 0 हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, 7 से हम यहाँ काट देंगे, ये y बटे में जाएगा, बटे में 7 जाएगा, 7 से काट दें, 7 सत्ते 49, 7 6 42, तो माइनस माइनस कटे 6 आ जाएगा, ठीक है। तो y का मान क्या इतना आ जाएगा, 6। अब हमने y बराबर 6 मान लिया, यहाँ आ गया है, ठीक है। तब यहाँ हम क्या रखेंगे, एक बार x का मान रख दिया, एक बार y, y में हम क्या रखेंगे, y में हम रख देंगे 7, ठीक है। तो y बराबर एक बार 7 रख देंगे, तो क्या आ जाएगा हमारा x बराबर, यहाँ 7 का गुणा होगा 7 सत्ते 49, ये माइनस का सेट जाएगा तो प्लस का बन जाएगा, तो 49 में 42 घट जाएगा, तो हमारा x बराबर क्या आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक है। ये हमारे दोनों बिंदु आ गए, ठीक है। आप समीकरण 2 से ले लेते हैं, समीकरण 2 से, समीकरण हमारा दूसरा क्या था, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो इसमें भी एक बॉक्स बना लेते हैं हम, तो एक साइड x रखेंगे, एक साइड y रखेंगे। अब इसमें x बराबर हम पहले क्या रख देते हैं, हमने माना x बराबर हमने 0 रख दिया, ठीक है, अपने मन से मान लेंगे कुछ भी। तो 3y यहाँ क्या हो जाएगा, 0, तो 3 से काट देंगे तो क्या आ जाएगा, 2 बार, तो 2 आ जाएगा, ये माइनस को सेट, तो माइनस का हमारा y बराबर 2 आ जाएगा, ठीक है। अब y बराबर -2 तो रख नहीं सकते, तो हम y बराबर 1 रख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ क्या आ जाएगा, 3, 3 एकम 3,
तो 3 माइनस का एस ऐड जाएगा प्लस का, तो हमारा एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 9। ठीक है, तो ये भी इसके दोनों बिंदु आ गए। ठीक है, अब हम ग्राफ खींचेंगे, तो किस तरह से खींचेंगे हम आपको दिखाते हैं। ग्राफ खींचने के लिए हमने चतुर्थांश लिया है, ठीक है, ये हमारा एक्स अक्ष है, ये हमारा वाई अक्ष है। ठीक है, तो इसमें यहाँ के सभी प्लस के होंगे, इस साइड के भी प्लस के होंगे, यहाँ इस साइड माइनस के होते हैं और नीचे साइड माइनस के होते हैं, तो हम बिंदु इसमें दर्शा देंगे। ठीक है, अब इसमें हमको बिंदु दर्शाने हैं, तो किस तरह से दर्शाएंगे, तो हम पहला बिंदु लेंगे, क्या है, पहला बिंदु है हमारा 0.6। ठीक है, तो 0.6 को हम कैसे दर्शाएंगे, पहले हमको एक्स अक्ष पर 0 चलना है, ठीक है, और वाई अक्ष पे 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो ये हमारा आ जाएगा 0.6। ठीक है, अब दूसरा बिंदु है 7.7, तो हम कैसे दर्शाएंगे, एक्स अक्ष पे 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यहाँ से अब ऊपर की ओर चलना है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 7.7। ठीक है, अब ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को हम पटरी की सहायता से मिला देंगे। ठीक है, अब ये रेखा जो खींची गई है, तो ये हमारी कौन सी समीकरण दर्शाती है, x-7y-42 को। ठीक है, क्योंकि इसी से हमने बिंदु निकाले थे। इसी प्रकार अब हम दूसरे समीकरण के बिंदु को दर्शाएंगे, तो दूसरे समीकरण का बिंदु पहला क्या है, 0.2, 9.1, तो एक्स अक्ष पे 0 यानी 0.-2। ठीक है, तो 0 हमारा एक्स अक्ष पे होगा, ठीक है, -2 वाई अक्ष पे चलना है, तो हमारा वाई अक्ष का नीचे 1, 2, ठीक है, तो माइनस का ये आ गया 2। ठीक है, तो ये हमारा बिंदु कौन सा हो जाएगा, 0.-2। ठीक है, अब दूसरा बिंदु क्या है, 9.7, यानी कि एक्स अक्ष पे 9 चलना है, 3, 4, 5, 6, 7, यानी कि 9 यहाँ आ गया, और हमको क्या चलना है, 1 पे, तो एक्स अक्ष पे चलना, वाई अक्ष पे ऊपर की ओर। ठीक है, तो यहाँ हमारा आ जाएगा 9.1, ये बिंदु आ गया, और ये बिंदु और ये बिंदु दोनों को हम मिला देंगे, तो ये हमारी रेखा निकल के आ जाएगी। ये हमने मिला दिया है। ठीक है, तो ये हमारी कौन सा समीकरण रेखा कहलाएगी, ये हमारा समीकरण कौन सा, दूसरा का था, तो हमारा समीकरण क्या था, x-3y-6, ये रेखा इस समीकरण को दर्शाएगी, यही हमको ज्ञात करना था। अगले वीडियो में हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे इसी प्रश्नावली का। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल फ्री कोचिंग सेंटर को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।